हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबका एक ही कमेंट मोस्टली आता है कि आपकी वीडियो क्लियर नहीं होती है ताकि हम नोट्स बना सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको क्लियर दिख जाए। और वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के बाद आपको क्लियर दिख जाएगा, उससे आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे या फिर नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में। प्रोज की फॉर्म्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, नेक्स्ट टर्न आता है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री वैसे तो एक ही पूरा होल एक चीज़ है, लेकिन उसको भी हमने कुछ चीज़ों में बांटा हुआ है। सॉरी, हमने नहीं बांटा हुआ है, मीन्स उसकी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। हमें सिर्फ समझना है कि किस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे और किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है बैलेट। मीन्स पोएट्री जो है वो टू टाइप से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आता है नैरेटिव पोएट्री और नॉन नैरेटिव पोएट्री। नैरेटिव पोएट्री का मतलब है जैसे किसी भी पोएट्री में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नैरेट करना, एक्सप्लेन करना, किसी एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करके बताना पोएट्री के द्वारा, तो ये तो आता है आपका नैरेटिव पोएट्री में। और नॉन नैरेटिव पोएट्री में आता है कि वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होता है थिंग्स, उसमें वो शॉर्ट फॉर्म में आपको पोएट्री मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है एक जो आपका, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे डांस सॉन्ग हो गया एक तरीके से, जैसे हिंदी में होता है लोकगीत, ऐसे इंग्लिश में होता है कि जो बैलेड है उसकी फॉर्म होती है वो फोर लाइन स्टैंजा में होती है और यैम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और ये एक फॉर्म ऑफ सॉन्ग होता है, कोई एक स्टोरी नरेट करता है किसी के बारे में और पूरी स्टोरी उसकी जो इसमें रहती है, एक्सप्लेन किया जाता है किसी एक स्टोरी के बारे में। और इसका मीटर रहता है यैम्बिक पेंटामीटर। और फोर लाइन स्टैंजा रहता है इसका फॉर्म, फोर लाइन स्टैंजा फॉर्म में रहता है, यैम्बिक पेंटामीटर रहता है। और ये फोक सॉन्ग भी इसको बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में लोकगीत बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में फोक सॉन्ग बोल सकते हैं, डांस सॉन्ग बोल सकते हैं। किसी एक टॉपिक को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर इसमें जो स्टोरी है वो नरेट की जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है फ्रेंड्स? ड्रामेटिक मोनोलॉग में किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर कोई भी, मतलब जो पोएट होता है वो पोएट अकेला ही उसको एक्सप्लेन करता है, उसमें कोई और कैरेक्टर्स नहीं होते हैं और किसी और के बारे में वो नहीं होता है। मीन जिसके बारे में होता है, जिस थॉट और जिस एक्सप्रेशन के बारे में होता है, जिस इमोशन के बारे में होता है, वो अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है ऑडियंस के सामने, और उसी को एक पोएट्री फॉर्म में लिखता है। और ये लॉन्ग फॉर्म में लिखा जाता है फ्रेंड्स, और जो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इनर थॉट्स होते हैं उनको वो एक्सप्लेन करता है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो बेस्ट राइटर हैं, जो माने जाते हैं, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उनके बाद टेनिसन भी इसके फेमस राइटर माने जाते हैं। तो इन दोनों राइटर्स के बारे में अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो फेमस राइटर्स हैं, वो राइटर वो है वो कौन कौन है या मोस्ट फेमस राइटर कौन है, तो मोस्ट फेमस राइटर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इनको बाद में, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद टेनिसन का नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एपिक या हीरोइक पोएम, जो कि हीरो के बारे में होती है। इसका जो हीरो होता है उसके जो ग्रेट वर्क होते हैं, जो अचीवमेंट्स होते हैं, उनको दर्शाया जाता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है और होमर ने एलियाड लिखा है, वर्जिल ने एनेड लिखा है। तो ये एपिक के ही एग्जाम्पल्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट और जो रामायण है, महाभारत है, वो भी एपिक में ही फ्रेंड्स आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉक एपिक या मॉक हीरोइक पोएम। मॉक एपिक और मॉक हीरोइक पोएम जो होता है वो इसी की कॉपी होता है, लेकिन इसमें जैसे हीरो के अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है और ग्रैंड स्टाइल में ये लिखा जाता है, उसी तरीके से इसका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही नॉर्मल सिंपल होता है, लेकिन उसको एक ग्रैंड स्टाइल में जब दर्शाते हैं तो वो बन जाता है मॉक एपिक। और जैसे कि पोप ने लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, तो उसका जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हीरोइक नहीं है, उसमें कोई ऐसा हीरो नहीं है जिसके अचीवमेंट्स को ग्रैंड स्टाइल में दर्शाया जाए। नेक्स्ट आता है नॉन नैरेटिव पोएट्री। नॉन नैरेटिव पोएट्री में आता है लिरिक। लिरिक क्या होता है? एक शॉर्ट पोएम होती है जो कि म्यूजिकल होती है, मतलब शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होती है जो किसी सिंगल जो थॉट होता है उसको एक्सप्रेस करती है, जैसे कोई इमोशन हो गया,
ब्यूटी, किसी चीज़ की ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई शॉर्ट सॉन्ग, शॉर्ट पोएम लिखी जाती है, उस तरीके से लिरिक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलेजी। एलेजी क्या होता है? एक मॉर्निंग पोयम होती है, एक शोक गीत होता है जो किसी की डेथ पर, किसी के का शोक मनाने के लिए पोएट्स लिखते हैं। और ये दो टाइप की हो सकती है, एक तो पर्सनल एलेजी और दूसरा पेस्टोरल एलेजी, पर्सनल एंड पेस्टोरल। तो पर्सनल एलर्जी वो होती है जो कि किसी अपने पर्सनल या कोई रिलेटिव हो या कोई अपने फ्रेंड हो उनके बारे में, उनकी डेथ के बाद डेथ पर लिखी जाती है। और पेस्टोरल एलर्जी जो होती है वो जो जिनकी डेथ के बारे में लिखी जाती है उनको शेफर्ड मानकर और उसके बारे में लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे एलर्जी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड जो सभी के बारे में लिखी गई है, एक कम्प्लीटली एक शेफर्ड क्लास को लेकर, पेस्टोरल को लेकर लिखी गई है, उसको बोलते हैं पेस्टोरल एलर्जी। और पर्सनल एलर्जी बोलते हैं जैसे पर्सनल एलर्जी हो गया, जैसे रग्बी चैपल हो गया, मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने पिता के लिए लिखी थी, तो वो पर्सनल एलर्जी में आता है। और पेस्टोरल एलर्जी में आता है आपका ये एलर्जी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड जो कि ग्रे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑड। ऑड ये लिरिक के जैसा ही होता है, एक सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल इमोशन को लेकर लिखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग होता है, लॉन्ग वे में लिखा जाता है, किसी एक विशेष विषय को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी एक इमोशन को लेकर लॉन्ग लिखा जाता है। जैसे लिरिक होता है एक शॉर्ट पोएम होती है, शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होती है, लेकिन जो ओड होता है वो लॉन्ग होता है, वैसे ये लिरिकल पोएम ही होता है। और जो ओड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है पिंडारिक ओड और सेकेंड है होरेशियन ओड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14 लाइन्स पोएम, एक पोयम जिसमें 14 लाइन होती है और उसकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है। और जो सोनेट होते हैं फ्रेंड्स, सोनेट होते हैं टू टाइप्स के, पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं या फिर उसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इटालियन इसका ओरिजिन है और पेट्रार्क ने सबसे पहले सोनेट लिखने स्टार्ट किए थे, उन्होंने ही जो राइम स्कीम है वो दी थी। लेकिन बाद में शेक्सपियर ने जब सोनेट लिखे तो उन्होंने उस राइम स्कीम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, और उस जो उन्होंने जो उसमें चेंज किया था उनको माना गया था शेक्सपियरन सोनेट, और इनको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो सोनेट हैं वो टू टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट, और दूसरा इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट। जो स्पेंसर थे उन्होंने शेक्सपियर के सोनेट्स को ही अपना आधार बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी जो राइम स्कीम थी वो चेंज कर दी थी, क्योंकि शेक्सपियर के सोनेट्स की जो राइम स्कीम थी वो थी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी। ये तो हो गया शेक्सपियरन सोनेट। और द स्पेंसरन सोनेट हो गया ए बी बी सी सी डी एंड ई ई। तो इसमें थोड़ा इन्होंने चेंज किया है और बाकी सेम ही है, राइम स्कीम ओनली इसकी चेंज है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कुछ अदर फॉर्म्स होती हैं जो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी इनसे भी एग्जांपल्स आ जाते हैं, एग्जांपल आ जाते हैं, कभी कभी इनके मीनिंग को लेकर, कभी इनकी फॉर्म को लेकर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले है लिमरिक। लिमरिक क्या होता है फ्रेंड? लिमरिक एक पोएम का ही फॉर्मेट है, शॉर्ट पोएम का ही फॉर्मेट है, और लिमरिक होती है एक 5 लाइन पोएम। कोई सीरियस मैटर नहीं रहता है, कोई सीरियस सब्जेक्ट नहीं रहता है, नॉर्मल से इशू को लेकर 5 लाइन पोएम लिख दी जाती है। और इसकी स्कीम होती है, राइम स्कीम होती है ए ए बी बी ए। लिमरिक एक 5 लाइन पोएम है और इसकी राइम स्कीम होती है ए ए बी बी ए, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन सीरियस सब्जेक्ट होता है, नॉन सीरियस या ह्यूमरस भी आप बोल सकते हैं, नॉन सीरियस सब्जेक्ट या ह्यूमरस सब्जेक्ट को लेकर एक 5 लाइन पोएम्स लिख दी जाती है, जिसमें स्ट्रेस रहता है फर्स्ट और सेकंड और 5 लाइन पर, और जो थर्ड और फोर्थ लाइन रहती है वो शॉर्ट लाइन रहती है इसमें। नेक्स्ट हाइकू, ये भी एक पोएम का ही टाइप है, पोएम का ही फॉर्मेट है, और इसका जो ओरिजिन है वो जैपनीज है, वहीं से इसका नाम लिया गया है। और फ्रेंड्स ये 17 लाइन्स पोएम है। ये दो चीज़ें इसमें याद रखने की ज़रूरत है, जो लिमरिक है वो 5 लाइन्स पोएम है और इसकी राइम स्कीम है ए ए बी बी ए, और जो हाइकू है वो 17 लाइन्स पोएम है और इसका ओरिजिन जैपनीज है, और हाइकू का पैटर्न है 5-7-5। जो फर्स्ट स्टैंजा होगा वो 5 लाइन स्टैंजा होगा, सेकंड स्टैंजा होगा वो 7 लाइन स्टैंजा होगा, और थर्ड स्टैंजा फिर से 5 लाइन स्टैंजा ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है,
उसके बाद आता है फ्रेंड्स आइडियल। आइडियल क्या होता है? आइडियल एक बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है और जो कि एक थीम पर लिखी जाती है, जैसे कंट्री बेस या फिर टाउन बेस, मींस रस्टिक लाइफ पर, शेफर्ड्स की लाइफ पर जो लिखी जाती है उसको आइडियल बोलते हैं, शॉर्ट पोएम ऑन शेफर्ड्स लाइफ। और इसी का थोड़ा बड़ा रूप होता है पेस्ट्रल, जो कि शेफर्ड्स की लाइफ पर ही लिखी जाती है, लेकिन आइडियल से थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी एक्सप्लेनेबल होती है, उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेटायर। और सेटायर क्या होता है? कोई किसी की जो बुराई होती है या किसी में कुछ अवगुण होता है उसको सुधारने के लिए या उसको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि आप में ये अवगुण है, आप में ये दोष है, उसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे जॉफरी चौसर ने लिखा था द कैंटरबरी टेल्स, उस समय समाज में जो बुराइयाँ थी उन बुराइयों को लेकर उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, और इसको एक सेटायर ही बोलेंगे क्योंकि उस समय की जो सामाजिक बुराइयाँ थी उनके ऊपर उन्होंने लिखी थी। और इसका मेन पर्पज़ ये नहीं होता कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या क्रिटिसाइज़ करना चाहते थे, किसी को नीचा दिखाना चाहते थे। सेटायर का मेन पर्पज़ होता है कि उस चीज़ को रियलाइज़ करवाना और उस चीज़ को बदलने में, रिफॉर्मेशन में उसकी हेल्प करना, ताकि वो बुरे तरीके से अच्छे तरीके की तरफ बदल जाए। नेक्स्ट और लास्ट इसका फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स एपिग्राम। एपिग्राम होती है एक सेइंग, जैसे बोल देते हैं एक कहावत होती है, और कहावत जो कि बहुत ही अच्छा एक मोरल दे, एक मतलब सीख दे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छी सीख हमें जिस लाइन से मिले, और उसको बोल सकते हैं एपिग्राम, शॉर्ट सेइंग इसको बोलते हैं। ये शॉर्ट सेइंग होती है, कहावत होती है, जिससे हमें एक सीख मिलती है और एक मोरल मिलता है। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है इन सब फॉर्म्स को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ चीज़ अगर मैंने इसमें गलत एक्सप्लेन कर दी हो तो प्लीज़ वो भी बता दें, क्योंकि अपने आप जब हम एक्सप्लेन करते हैं हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई चीज़ इसमें गलत हो गई है। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी गलत एक्सप्लेनेशन मिले। अगर कोई भी चीज़ इसमें मुझसे रॉन्ग एक्सप्लेन हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।